राजधानी के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित 21 दिवसीय आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। 21 मई से शुरू हुए इस शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद रहे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से आयोजित इस शिविर में तीरंदाजी, खो खो, जिम्नास्टिक, जूडो, हॉकी, कुश्ती, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, निशानेबाजी और घुड़सवारी को शामिल किया था, जिसमें परिषद की खेल अकादमियों के करीब 215 से ज्यादा बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। जो ग्रीष्मकालीन कैंप्स होते हैं उसका समापन है और ये पिछले, जैसे कि आंकड़ों से मुझे प्राप्त हुआ है कि 60 सालों से लगातार निरंतर चल रहा है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, 20 दिन रहते हैं, खेल को सीखते हैं, खेल की बारीकियों को सीखते हैं, उसका समापन है। इसी संबंध में आज हम सब यहाँ पर मिले हैं। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इच्छा जताई है कि खेल को, इस सत्र को केवल जयपुर में ना रखा जाए, इसको हर जिले लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल तक हमको लेके जाना चाहिए। इसके संबंध में हमने होमवर्क किया है और बहुत जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जो भी आउटपुट आएगा, जिस दिन फैसला होगा उस दिन सबसे पहले आप लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन ऐसी उनकी इच्छा है और ऐसा हमारा होमवर्क चल रहा है कि किस प्रकार से ट्रेनिंग कैंप्स ना केवल प्रदेश